गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम अपने चैप्टर नंबर 13 को कंटिन्यू करते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। प्रेरण का मतलब होता है इनिशिएट करना किसी चीज को, जैसे किसी को प्रेरणा देना मतलब उसके अंदर कुछ जागृत करना। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ प्रेरण का मतलब क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मतलब क्या है कि हम चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत धारा उत्पन्न करेंगे, मतलब किसी चालक में विद्युत धारा उत्पन्न करने की प्रेरणा देंगे। देखो ये हम पढ़ चुके हैं कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, लेकिन इसका उल्टा भी होता है। मतलब क्या, अगर हम किसी चुंबकीय क्षेत्र को किसी चालक के आसपास परिवर्तित करते हैं तो चालक में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। मतलब क्या, जैसे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो हम चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में विद्युत धारा भी उत्पन्न कर सकते हैं, उसको बोला जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत मतलब चुंबक के कारण किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हुई है तो उसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और जो विद्युत धारा उसमें उत्पन्न होती है वो प्रेरण के कारण उत्पन्न हुई है, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण, तो इसलिए उस विद्युत धारा को बोला जाता है प्रेरित विद्युत धारा। ये कैसे कर सकते हैं, ये सबसे पहले भी 1831 में बताया था किसने, माइकल फैराडे ने, और एक साइंटिस्ट और था हेनरी, इन दोनों ने मिलकर इंडिविजुअली अलग अलग बताया था। 1831 में माइकल फैराडे ने सबसे पहले क्या बताया था भाई, ये इसके बारे में, किसके बारे में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और इसके लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था। क्या एक्सपेरिमेंट किया उसने, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, किसी मैग्नेट के एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल, देखो अगर आपको ये लगे कि हम किसी मैग्नेट से अकेला नॉर्थ पोल कैसे ले सकते हैं, ये समझ लेना ये नॉर्थ और साउथ वैसे दिखा रखे हैं, इसके साथ में पीछे यहाँ पे साउथ पोल भी है, इधर नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ और साउथ पोल मैंने ये अलग अलग ऐसे क्यों दिखाते हैं, क्योंकि हमें चाहिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र हमें चाहिए, इसलिए हम इस प्रकार की चुंबक का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इन चुंबक के बीच में हमने एक वायर को रख दिया है, जैसे ये वायर है, ये क्या है, ऐसे दो चुंबक हैं और इन चुंबक के बीच में ऐसे वायर रखा हुआ है, ठीक है, एक इधर चुंबक है एक इधर चुंबक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ये वायर उसमें रख दिया है, और इस वायर को हमने जोड़ दिया है किसके साथ, एक गैल्वेनोमीटर के साथ। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा यंत्र होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित होने और ना होने को बताता है, मतलब ये बताता है कि क्या इस चालक में, ये चालक है, क्या इस चालक में विद्युत धारा है कि नहीं है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को बताएगा कौन, गैल्वेनोमीटर। तो ये गैल्वेनोमीटर हमने जोड़ दिया, यहाँ पे इसके कुछ निशान होता है, यहाँ जीरो होता है बीच में, और इस जीरो पे इसकी एक सुई होती है, ये सुई होती है और इसके नंबर लगे होते हैं इस प्रकार से, तो ये इसकी सुई क्या होती है, ये घूमती रहती है, हिलती रहती है। अगर इस चालक में विद्युत धारा होगी तो ये जो सुई है गैल्वेनोमीटर की, ये अपनी जीरो पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब ये इस साइड जाएगी या इस साइड जाएगी, अगर ये डिफ्लेक्शन शो करती है तो समझ लेना इस चालक में विद्युत धारा है। तो हमने क्या किया, इसको जोड़ दिया किसके साथ, एक गैल्वेनोमीटर के साथ, जोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि हम तो ये देखना चाहते हैं ना कि इस चालक में क्या विद्युत धारा उत्पन्न हुई है। अब देखो ये स्थिर है और ये चालक भी स्थिर है, अगर हम इस चालक को, यहाँ चुंबक है यहाँ चुंबक है, ये बीच में चालक है, इस चालक को ऊपर उठा दे तो ये डिफ्लेक्शन दिखाएगी, मतलब क्या है, इस जो ये सुई है इसकी, ये अपने पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब है जैसे ही चालक ऊपर मूव करेगा तो इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो जाएगा, मतलब जब इसके अंदर, इसको ऐसे स्थिर रख दिया है तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र तो है, इस चालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र तो है, लेकिन वो चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो परिवर्तित नहीं होगा तो वो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर कोई असर नहीं करेगा,
तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होना चाहिए, कम या ज्यादा होगा तभी तो इसके अंदर इंबैलेंस पैदा होगा इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, तभी तो उनको धक्का महसूस होगा। अब सभी जगह चुंबकीय क्षेत्र इस तार में एक समान ही है, तो कई सभी जगह से इसके ऊपर समान फोर्स लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें मूव ही नहीं करेंगे। तो कब करेंगे, जब इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो जाएगा, कम या ज्यादा होगा, तो इसके किसी भाग पे चुंबकीय क्षेत्र अधिक पड़ेगा, किसी पे कम पड़ेगा, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनको धक्का मिलेगा और वो चलना शुरू करेंगे। इसको अब वो चलना शुरू कर देंगे जब इसके अंदर विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन ही चल पड़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो होती है वही तो विद्युत धारा होती है। तो जैसे ही हम इसको ऊपर उठाते हैं तो ये जो सुई है ये अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट होगी, एकदम इधर जाएगी ऐसे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे हमने इसको ऊपर उठाया तो इसमें विद्युत धारा आई थी, फिर ऊपर उठाया हमने, फिर दोबारा से नीचे इसमें ले गए, फिर झटके से नीचे ले जाएंगे, तो क्या होगा, ये जो सुई है देखो, इसको जब हमने शिखर एकदम ऊपर उठा दिया और स्थिर कर दिया तो फिर ये जीरो पे आ जाएगी सुई दोबारा से। क्यों, क्योंकि इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो फिर यूनिफॉर्म हो जाएगा इसके आसपास, तो इसकी सुई कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगी। अब जैसे इसको झटके से नीचे लेके जाएंगे तो इसके अंदर फिर से विद्युत धारा उत्पन्न होगी और इसकी सुई अब की बार इस साइड डिफ्लेक्ट होगी दूसरी साइड। मतलब क्या, अगर हम किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में मूव करवाते हैं, मतलब उसको उसकी जगह से विस्थापन करवाते हैं, तो उसके अंदर विद्युत धारा उत्पन्न होती है। लेकिन इसमें हमने एक बात देख ली कि अगर हमने इसको ऊपर उठाया तो सुई इस साइड डिफ्लेक्ट हुई थी, अगर इसको नीचे किया तो दूसरी साइड की थी। इसका मतलब क्या है, अगर हम चालक में विस्थापन की दिशा बदल दें तो इसमें उत्पन्न विद्युत धारा की दिशा भी बदल जाती है, ठीक है भाई, ये बात याद रखना। तो ये एक्सपेरिमेंट करके दिखा था किसने, ये माइकल फैराडे ने करके दिखा था। अब एक बार ऊपर उठाया तो एक साइड डिफ्लेक्ट हुई, एक बार नीचे किया तो दूसरी साइड डिफ्लेक्ट की। अगर हम इसको बार बार ऐसे ऐसे करते रहे तो ये जो ये सुई ऐसे ऐसे डिफ्लेक्शन शो करती रहेगी, मतलब इसमें विद्युत धारा कॉन्टिन्यूस प्रवाहित हो जाएगी, लेकिन उस विद्युत धारा की दिशा जो होगी वो कुछ सेकेंड में बदलती रहेगी। मतलब विद्युत धारा चलेगी तो है लेकिन विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित हो जाएगी। मतलब क्या, इसके अंदर अल्टरनेटिंग करंट पैदा हो जाएगा, ठीक है, अगर हम इसको ऐसे ऐसे बार बार मूव करवाते हैं, ठीक। तो ये था किसका एक्सपेरिमेंट, ये माइकल फैराडे का एक्सपेरिमेंट था, ठीक है भाई। अब इसमें जो उत्पन्न विद्युत धारा है वो किन चीजों पर निर्भर करती है, एक तो भाई इसमें हम इसको कितनी बार कितनी तेजी से मूव करवा सकते हैं इसके ऊपर निर्भर करती है। मतलब अगर तेजी से मूव करवाएंगे तो उसके इसके अंदर उतनी ही अधिक विद्युत धारा उत्पन्न होगी। दूसरा, जो ये चुंबक है इनके चुंबकीय क्षेत्र कितना है, अगर अधिक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होगा तो इसमें विद्युत धारा भी अधिक पैदा होगी, ठीक है। एक बात और देखिए हमने कि इसमें चालक की मूवमेंट से, चालक की मूवमेंट बदलने से मतलब उसकी दिशा बदलने से विद्युत धारा की दिशा भी बदल जाएगी। विद्युत धारा की दिशा एक चीज से और बदल सकती है, अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल दे तो, अगर मतलब इसमें नॉर्थ यहाँ है, इसमें साउथ है, यहाँ नॉर्थ ले आए यहाँ साउथ कर दे तो इसमें चुंबकीय विद्युत धारा जो इसमें उत्पन्न होगी उसकी दिशा भी बदल जाती है, ठीक है भाई, ये बात याद रखना। अब हम पढ़ते हैं कि एक कुंडली और परमानेंट मैग्नेट उनके उनमें विद्युत धारा किस प्रकार उत्पन्न होगी। मतलब क्या, हमारे पास एक कुंडली है, ये एक चुंबक है, या ये कह लो ये एक कुंडली है, ठीक है भाई। ये कुंडली को हमने जोड़ दिया गैल्वेनोमीटर से, किससे, गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। अब इस कुंडली के पास हम लेके जाएंगे क्या, एक परमानेंट मैग्नेट। तो भाई हम देखते हैं एक बार मैग्नेट मतलब छड़ चुंबक द्वारा और एक कुंडली द्वारा उत्पन्न विद्युत धारा। जैसे ये एक कुंडली है, अगर हम इसके पास एक छड़ चुंबक को ले आए, ये छड़ चुंबक है, इसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब इस चुंबक को अगर ये दोनों स्थिर है ऐसे ही है तो ये जो गैल्वेनोमीटर है
ये गैल्वेनोमीटर ये जीरो पे ही रहेगा, ये अपनी पोजीशन से कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम मैग्नेट को मूव करें, मूव कहाँ करें, इस मैग्नेट को थोड़ी सी आगे ले आए, कहाँ आगे, इस कुंडली के अंदर, इसके अंदर किसका आदेश को, इसके अंदर डाल दिया भी हमने, कुंडली के अंदर किसको, मैग्नेट को, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब जैसे ही हम इसको आगे करेंगे, इसके अंदर कुंडली के अंदर डालेंगे, तो वैसे ही कुंडली इसकी जो ये सुई है इसके अंदर डिफ्लेक्शन हो जाएगा, मतलब ये अपनी पोजीशन जीरो से आगे इधर खिसक जाएगी और इसके अंदर, इसका मतलब इसके अंदर क्या आ गया, इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। जैसे हमने इसको आगे खिसकाया तो वैसे ही सुई ने डिफ्लेक्शन दिखाया। अब जैसे ही आप इसको वापिस ले जाओगे तो फिर ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। जैसे ही आप इसके अंदर देखो, इसको मैग्नेट को इसके अंदर डाल दिया और ले जाकर इसको स्थिर कर लिया, मतलब अब ना तो आगे कर रहे हैं और ना पीछे कर रहे हैं। जैसे स्थिर किया, ये जो सुई है दोबारा से जीरो पे पहुंच जाएगी, मतलब स्थिर करते ही इसके अंदर कोई भी विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगी। अब इसको वापस खींच लेंगे, वापस खींचेंगे तो ये सुई अपनी जीरो, अपनी जगह से फिर डिफ्लेक्शन होगी, लेकिन उल्टी डायरेक्शन में, मतलब क्या, विद्युत धारा की दिशा विपरीत हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो मतलब क्या है, अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाती है, कि ये यहाँ पे ये कुंडली जो है ये चालक का काम करती है, तो इस कुंडली में विद्युत धारा की दिशा भी बदल जाती है। जैसे हम इसको आगे मूव करवाते हैं, मैग्नेट की गति, चुंबकीय क्षेत्र गतिशील है, वो आगे एक साइड जो उसकी दिशा है उसमें विद्युत धारा की कोई अलग दिशा होगी, जैसे ही वापिस ले जाएंगे तो उसमें गति परिवर्तन से इसमें विद्युत धारा की दिशा भी परिवर्तित हो जाती है, ठीक है भाई। तो ये होगा, हम एक और देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, जैसे भाई आप लोगों के पास दो कुंडलियां हैं, जैसे ये एक कुंडली है, ये कुंडली है, इसको तो हमने जोड़ दिया भाई किसके साथ, गैल्वेनोमीटर से, और एक दूसरी कुंडली हमारे पास, ये दूसरी कुंडली है, ये हमने जोड़ दी किसके साथ, बैटरी के साथ, ठीक है, ये बैटरी से जोड़ दिया। और अब इनको मूव करवाते हैं, मतलब ये जो है ये कुंडलियां दोनों लिपटी हुई है एक दूसरे के, किसी रोड के ऊपर ऐसे, किसी स्ट्रक्चर के ऊपर ऐसे लिपटी हुई है दोनों ये, लेकिन ये कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित है, मतलब इसमें करंट जा रहा है, और यहाँ है ये ऐसी कुंडली जिसमें कोई करंट नहीं है, तो ये जुड़ी है गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा अभी। अब जैसे ही इस कुंडली को, हमें पता है जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, अब जब कुंडली थी ये तो प्रणालिका की तरह काम करेगी, देखो ये प्रणालिका है ना, अब प्रणालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का था, मैं बता चुका हूँ कि एक परिनालिका छड़ चुंबक की तरह कार्य करती है, जैसे ये छड़ चुंबक थी, जब हम इसको नजदीक लेके आए तो इसमें डिफ्लेक्शन हुआ। अब ये जो प्रणालिका है इसमें जब विद्युत धारा गुजरेगी तो ये प्रणालिका भी तो छड़ चुंबक की तरह कार्य करेगी, इसका एक सिरा नॉर्थ सिरा बन जाएगा, एक साउथ सिरा। अब इसको आगे पीछे मूव करेंगे, मतलब इस स्ट्रक्चर के ऊपर इसको आगे खिसकाओगे तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन होगा, एक साइड हो जाएगा, जब इसको पीछे खींचोगे तो दूसरी साइड, ठीक है, तो इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होगी, ठीक। तो एक कुंडली में दूसरी कुंडली द्वारा विद्युत धारा को उत्पन्न किया गया है, तो इसमें उत्पन्न विद्युत धारा क्या होगी, वो होगी प्रेरित विद्युत धारा, ठीक है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट है इसके अंदर, और इसी फिनोमेना को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण। लेकिन इन सब में आप लोगों ने एक बात नोट की होगी, क्या, कि जब ये स्थिर है तो कोई विद्युत धारा उत्पन्न नहीं हुई, ये अंदर जाके स्थिर कर दी, कोई विद्युत धारा उत्पन्न नहीं हुई, तो मतलब क्या है कि जो एक चालक है जिसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होना चाहिए, तब जाके उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अगर चुंबकीय क्षेत्र स्थिर है तो कोई विद्युत धारा उसके अंदर उत्पन्न नहीं होती। तो हम क्या लिख सकते हैं, स्थिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण को क्या लिख सकते हैं, जब जब कोई चालक
परिवर्तित परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसको इसको क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसको विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है भाई, ये परिभाषा होगी इसकी। प्रेरित विद्युत धारा क्या है कि एक चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दूसरी कुंडली में या दूसरे चालक में उत्पन्न विद्युत धारा को कहा जाता है प्रेरित विद्युत धारा। ठीक है, गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो किसी चालक में विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है कि इसमें विद्युत धारा है कि नहीं है। इसको सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जुड़ेगा, याद रखना ये। और ये जब स्थिर अवस्था में होता है, मतलब कोई विद्युत धारा जब इसमें नहीं होती, तो इसकी सुई जो होती है वो जीरो पे होती है, और जब इसमें विद्युत धारा आ जाएगी तो इसकी सुई या तो राइट में या फिर लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हो जाएगी, जिससे ये शो करेगा कि किसी चालक में विद्युत धारा है। ठीक है, अभी दो चुंबकों के बीच सीधा चालक हमने रखा, दो स्टार्टिंग में जो मैंने बताई थी, दो चुंबक ऐसे लिए हमने, ये दो चुंबक, और इनके बीच में हमने ये चालक जो माइकल फैराडे ने करके बताया था, तो इसको रखा, ऊपर नीचे मूव करवाया, तो इसके अंदर विद्युत धारा उत्पन्न हुई। तो वो था ये कुंडली तथा चुंबक द्वारा प्रेरण, ये मैंने बता दिया। अब देखो, एक कुंडली द्वारा, एक धारावाही कुंडली द्वारा, ये कहोगे एक धारावाही कुंडली द्वारा दूसरी कुंडली में जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है उसमें विद्युत धारा की क्या दिशा होगी, तो उस दिशा को ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक रूल होता है, एक नियम होता है, जिसको बोलते हैं फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, मतलब फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल। तो हम शुरू करते हैं भाई फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। पहले अगर मान लो पेपर में यही आ जाए कि फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम किस लिए है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में उत्पन्न विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए हम यूज करते हैं फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, मतलब ये नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार हम अपने दाहिने हाथ की, देखो दाहिना हाथ है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, हम अपने दाहिने हाथ की फर्स्ट फिंगर सेकंड फिंगर, पहली उंगली दूसरी उंगली और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि वो एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाए, मतलब इनको अंगूठे को पहली उंगली को और बीच वाली उंगली को इस प्रकार फैलाना है कि वो एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पे हो। तो अगर हमारी पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो और अंगूठा चालक की दिशा में है, तो बीच वाली उंगली हमें उत्पन्न विद्युत धारा की दिशा को बता देगी, मतलब जो प्रेरित विद्युत धारा है, जो धारा उत्पन्न हुई है, उसकी दिशा को बता देगी। जैसे अगर मैं कहूं जैसे कि किसी चालक में विद्युत धारा, जैसे ये चालक है, इसमें विद्युत धारा तो उत्पन्न होगी। अब इसमें मान लो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहां से नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ है, इधर से इधर, और इसमें चालक ऐसे है, इसको ऐसे महसूस, ये यहाँ पे है, तो ये ऊपर जाएगा। ठीक है, इसको ऊपर ले जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ से यहाँ साइड है। अब इसको राइट हैंड थंब रूल को कैसे लगाएंगे, ये होना चाहिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। ठीक है, तो ये हो गया, और ये अंगूठा होना चाहिए चालक की गति की दिशा में, मतलब चालक किस साइड गया, चालक ने जिस साइड बल लगाया, देखो चालक ऊपर गया था, हमने इसको ऊपर खींचा, तो ये हो गया ना, यहाँ एक नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई। अब ये तो हो गई भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और चालक को इनके बीच में रखा था जो, उसको ऊपर खींच दिया हमने, तो ये हो गए चालक की दिशा। तो ये जो उंगली होगी, ये वाली, ये किस दिशा में पॉइंट करी है, इस दिशा में,
मतलब इस चालक में विद्युत धारा किस दिशा में उत्पन्न होगी, इस साइड में इधर आएगी। बात समझ में आएगी, क्योंकि हम इसको ऐसे अरेंज करेंगे ना, चालक की दिशा में अंगूठा हो गया, चालक की गति की दिशा में और ये चुंबक के क्षेत्र की दिशा में, तो ये मिडिल फिंगर किस साइड पॉइंट कर रही है, इस साइड। तो इस चालक में विद्युत धारा इस साइड उत्पन्न हो जाएगी, जैसे इसमें बताया था मैंने। ठीक है भाई, बात समझ में आएगी। तो ये क्या है, ये है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त अंगूठ नियम। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि किसी चालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र जब बदलेगा तभी उसके अंदर विद्युत धारा उत्पन्न होगी। हो सकता है, देखो जरूरी नहीं कि ये जो कुंडली है ये हमेशा स्थिर रहे, और मैग्नेट जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर रही है वो आगे पीछे जाए, जरूरी नहीं है। अगर ये फिक्स है तो ये कुंडली जो है ये भी तो मूव कर सकती है। जब ये आगे चलेगी तो इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र तब भी परिवर्तित होगा, पीछे जाएगी तब भी परिवर्तित होगा। मतलब कहने का क्या है, दोनों में से चालक और चुंबक, चुंबकीय क्षेत्र दोनों में से कोई एक को मूव करना ही पड़ेगा। अगर दोनों स्थिर होंगे तो कोई विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगी, और दोनों में से कोई एक मूव करेगा तो चालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र बदल जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र बदलने से उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऊपर एक बल लगेगा और इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देंगे और उसके अंदर विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, बात याद रहेगी। तो एक बात याद रखना, इस प्रकार से जो चुंबक, इस प्रकार से जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है वो होती है एसी। एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट, जिसकी दिशा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बदलती रहती है। मतलब जिसकी दिशा समान समय में, जैसे एक सेकंड के बाद बदल जाएगी, उसको बोला जाता है एसी, अल्टरनेटिंग करंट। एक होता है डीसी, डायरेक्ट करंट। डीसी वही, डीसी डायरेक्ट करंट, क्या बोलेंगे, डायरेक्ट करंट। ठीक है, इसको हिंदी में बोला जाता है दिष्ट धारा। दिष्ट धारा, दिष्ट धारा कहाँ होती है, दिष्ट धारा क्या होती है। देखो, दिष्ट धारा एक ऐसी विद्युत धारा है जिसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं आता। मतलब ये चल रही है तो चले जा रही है, इसकी दिशा एक ही रहेगी, इसकी दिशा परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, दिष्ट धारा, जैसे जो बैटरी में होती है, जो विद्युत धारा बैटरी पैदा करती है, जो सेल पैदा करती है, वो सभी धाराएं, मतलब उसमें जो करंट निकलेगा ना बैटरी में से, सेल में से और डीसी जनरेटर में से, वो सभी कैसा होएगा, वो डायरेक्ट करंट होएगा, बात याद रखना। उसके बाद अगर हम बात करें एसी की, अल्टरनेटिंग करंट की, जब अल्टरनेटिंग करंट पैदा होता है तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होगा, वो भाई जैसे ये चल रहा है तो वो ऐसे ऐसे चलेगा, मतलब उसकी दिशा में परिवर्तन होगा कुछ सेकंड के बाद, मतलब कुछ समय के बाद। वो जैसे 10 सेकंड के बाद बदल रहा है तो प्रत्येक 10 सेकंड के बाद उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाएगा। इंडियम में जो आती है अल्टरनेटिंग करंट, जो पैदा की जाती है विद्युत धारा, उसमें जो अल्टरनेटिंग करंट अपनी दिशा बदलता है वो प्रत्येक 1/100 सेकंड में बदल लेता है, 1/100 सेकंड में बदल लेता है। ठीक है भाई, बात समझ में आएगी। तो ये थी अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट। तो ये था भाई अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट प्रत्येक 1/100 सेकंड में अपनी दिशा को बदल लेता है। इंडिया में मतलब जो एसी अल्टरनेटिंग करंट होती है उसमें फ्रीक्वेंसी लगभग 50 हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज। ठीक है, ये हो गया। अब हमने क्या पढ़ लिया कि एक कुंडली में दूसरी कुंडली द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न की जा सकती है। इसमें उत्पन्न विद्युत धारा के किन चीजों पर निर्भर करती है, एक तो इसमें जो कुंडलियों की संख्या है उस पर निर्भर करती है। अगर इसमें कुंडलियों की संख्या अधिक होगी तो इसमें विद्युत धारा का मान अधिक होगा। दूसरा, यहाँ जो चुंबक होगी उस चुंबक के मैग्नीट्यूड पे निर्भर करता है, मतलब इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना प्रबल है। प्रबल अगर ज्यादा प्रबल होगा तो इसमें विद्युत धारा भी अधिक पैदा होगी। ठीक है, और मोमेंट पे तो डिपेंड करता ही है, मतलब दोनों में से किसी एक को मूव करना ही पड़ेगा तभी इसके अंदर विद्युत धारा ज्यादा, मतलब विद्युत धारा उत्पन्न होगी। ठीक है भाई, और एक और है, अगर इसके इस कुंडली के अंदर हम कोई सॉफ्ट आयरन पीस डाल दे, कोई मुलायम लोहे का टुकड़ा, तो भी इसके अंदर बढ़ जाएगी क्या, विद्युत धारा का मान। ठीक भाई, ये हो गया।
और एक और था, अगर हम इस कुंडली को आगे पीछे मूव करवाएं तो मतलब चालक की गति जितनी ज्यादा होगी या मूव करने की स्पीड जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होगी। ठीक है भाई, तो ये था आज हमारा क्या, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। बात समझ में आ गई होगी, लगभग ये याद करना है, इम्पोर्टेंट है ये फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। मैं एक बार और बता देता हूँ, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार किस लिए है ये नियम, ये किसी चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए होता है। क्या, कौन सा, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। इस नियम के अनुसार हम अपने दाहिने हाथ की पहली उंगली, दूसरी उंगली और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि वो एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाए। तो हमारी पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और अंगूठा चालक की गति की दिशा में अगर है तो बीच वाली उंगली हमें चालक में उत्पन्न विद्युत धारा की दिशा को बता देगी। ठीक है भाई, तो ये था हमारा आज का टॉपिक और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो को कई बार देखो, समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।